हेलो दोस्तों, मैं सूरज राज और आज आपकी नई वीडियो के साथ आए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, बीएससी वालों अब बदल दो इतिहास। देखिए बीएससी वालों अब बदल दो इतिहास, क्योंकि है पेपर हैकर का साथ, ठीक है ना। तो अब आपके साथ पेपर हैकर है तो आपको इतिहास बदल देना है। जी हाँ, जो बार बार जो कई सालों का इतिहास लगा रखा है ना कि फेल हो रहे हैं बच्चे, फेल हो रहे हैं, वो इतिहास ही बदल दो, ठीक है ना। वो इतिहास ही बदल दो, क्योंकि उस हिस्ट्री में आपका नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। उस हिस्ट्री में आपका नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए पेपर हैकर आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि मैं देखिए यहाँ आपको 2020 की वीडियो में ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, डेली। और थोड़े दिन में सोचता हूँ कि मैं आपको क्यों ना लाइव आके सब कुछ क्लियर करा दूँ, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर करा दूँ। कुछ टाइम की देरी जा रही बस, ठीक है ना, कुछ दिनों के लाइव आया करेंगे हम बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। तो यहाँ बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। जी हाँ, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए है, ओनली आपके लिए, ठीक है ना। और आपको इतिहास बदल देना है, अब की इतिहास बदल देना है, हिस्ट्री बदल देना है, और उस हिस्ट्री में केवल आपका नाम नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री तो होगी, इतिहास होगा, लेकिन नाम आपका नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो फेल वाले इतिहास में जो हमारा नाम जा रहा था बार बार, उस वो नहीं रहेगा अब, क्योंकि अब केवल 2020 में आने वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप याद करके ला सकते हैं 85% प्लस, ठीक है ना। तो 85% प्लस लाना चाहते हैं तो हाँ, प्लीज़ यार चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन रखा है, सब्सक्राइब करके घंटी का दबा दो। और देखिए और बता दूं मैं आपको, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, सारी की सारे जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स, उसके नीचे मैंने लिंक दे रखा है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है ना। उस लिंक में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो देख सकते हैं। और आपको केमिस्ट्री का नोट्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री का नोट्स डाउनलोड करना है, ठीक है ना, तो डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है केमिस्ट्री के नोट्स के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जानते हैं, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ये कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 में आने वाले, हमने PDF बना दी है, हमने PDF बना दी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाक से जाके देख लो। और हमारा वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, यदि कोई प्रॉब्लम है, लिंक कोई काम नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो फटाफट आप व्हाट्सअप पर हमारे एक बार कॉमेंट कर दो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना हमारा जो रिप्लाई होगा वो 24 घंटे के अंदर होगा, ठीक है, 24 घंटे मतलब कि नाइट में हम आपको रिप्लाई करते हैं, नाइट की नाइट में, ठीक है ना। तो यार एक बात याद रखना, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, एक्स वाई जेड को आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में। देखिए यार मैथ की बात करूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैथ के इंपोर्टेंट दे दो। यार मैथ में बताऊँ, मैथ का इंपोर्टेंट तो दे दूँगा, लेकिन क्या फ़ायदा, मुझे पता भी नहीं है मैथ क्या है, सच बताऊं बीएससी का मैथ मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि ZBC से मैं करा हुआ हूं, ठीक है ना। तो ZBC से मैंने की थी, उसके बाद बताऊं कि मैंने कभी बीएससी तो मैथ तो कभी पकड़ा ही नहीं, उसके बाद मैं MSc की, वो मैंने बॉटनी से की, ठीक है ना। और ये सारा का सारा मेरा प्रोसेस रहा है, और अब तो ये है कि मैं जो भी है वो मैंने मैथ के बारे में बता दूँ, 50 क्वेश्चन लगभग दूंगा, तो मतलब कि आपके लगभग में क्वेश्चन आएंगे तो 17 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, आपके पेपर में तो मैं 50 क्वेश्चन दूंगा तो कहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैथ को मुझे तो पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बस यही कारण है, तो मैथ को नहीं दे पाऊँगा। यदि सोचता हूँ मैथ की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं किसी टीचर से पूछ के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी तो देख सकते हैं ना, जूलॉजी बॉटनी तो देख ही सकते हैं, फिजिक्स मैथ को छोड़कर सारे सिलेबस मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको देख लेना है, यदि आपके पास बुक है, नोट्स है, कुछ भी है, तो उस पर टिक लगाइए। पहला क्वेश्चन है पैरामीशियम, देखिए बोल रहा है पैरामीशियम में जनन प्रक्रिया कैसी होती है। देखिए जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है पैरामीशियम में, एक तो सेक्सुअल होती है, एक असेक्सुअल होती है, मतलब कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दो प्रकार का जनन होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, इसमें पैरामीशियम जंतु के अंदर, ठीक है ना। इन दोनों लैंगिक मतलब सेक्सुअल और अलैंगिक असेक्सुअल, इन दोनों जनन के, रिप्रोडक्शन के दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। और याद करने के बाद में आपको क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम, या अलैंगिक आएगा या अलैंगिक आएगा, ठीक है ना, एक आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना है, देखिए प्रोटोजोआ, आप जानते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना। एक संघ है प्रोटोजोआ, जो क्या होता है, फैमिली होती है, फैमिली संघ, ठीक है ना, जैसे कहते हैं, तो ये संघ है। और इसके क्या है, उनका लक्षणों का चरेक्टर क्या होता है, उसका वर्णन करना है, और उनका पोषण प्रक्रिया क्या होती है, पोषण प्रक्रिया जानते हैं, ये प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार से पोषण करते हैं, और इनसे कौन से रोग हो जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, मानव के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी है तो मानव के अंदर पूछेंगे, जंतु के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो जाती है प्रोटोजोआ के कारण,
और कह रहा है कि प्रोटोजोआ चलने की प्रक्रिया विधि क्या है, मतलब कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, प्रोटीन में जंतु आते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, अपना चलन प्रक्रिया क्या है उनके, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मोनोसाइट्रस। जी हाँ, मोनोसिस्टिस जो होता है उसका वर्गीकरण कर लेना है। मोनोसिस्टिस का वर्गीकरण क्या होता है, उसका स्वभाव, देखिए मोनोसिस्टिस एक जंतु होता है, उसका स्वभाव की बात की जा रही है, उसका जो हैबिट होता है वो किस प्रकार से होता है, हैबिट, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, हैबिट और एन वह संरचना। जी हाँ, मोनोसिस्टिस है जंतु है जो किस प्रकार का जो दिखता है, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी कैसी है इसकी, वह संरचना बाहर से देखने वो कैसा है, वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है, ये सब कुछ। और उसका लाइफ साइकिल मतलब कि जीवन चक्र की बात कर रहे हैं कि जीवन चक्र क्या है उसका, किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता है इस पृथ्वी पर, ठीक है ना, तो इस अर्थ पर ये बोध बता देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है प्रोटोजोआ, देखिए पेरीफेरा, सॉरी प्रोटोजोआ हो गया और यहाँ बात करेंगे पेरीफेरा, तो पेरीफेरा संघ है, तो पेरीफेरा फैमिली की बात करेंगे, लक्षण कैसे होते हैं, और जो पेरीफेरा में जो जंतु पाया जाता है उसका कैनाल सिस्टम का वर्णन कर देना है, ठीक है ना, तो कैनाल सिस्टम का वर्णन कर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कैनाल सिस्टम, ठीक है ना, कैनाल सिस्टम क्या होता है ये देख लेना है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो है, देखिए आपको केवल इसमें 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और 20 क्वेश्चन याद करके ला सकते हैं आप 85% प्लस। जी हाँ, 85% प्लस ला सकते हैं, और यदि आप 85% प्लस लाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आप फेल नहीं होगे, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं तो आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, आप भारत के किसी यूनिवर्सिटी से मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना, यदि आपका सिलेबस सेम टू सेम है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आएंगे याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखिए पेरीफेरा के जो अंतर का जंतु आता है वो आता है साइकॉन, ठीक है ना, अब देखिए साइकॉन जंतु उसकी विभिन्न कोशिका की संरचना बता देनी है, उसकी जो विभिन्न है वो सेल होती हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता देना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल के बारे में देख लेना है, ठीक है ना, लाइफ साइकिल, अब ये आपको दोनों याद कर लेना है, चलो ठीक है, इतना याद हो गया हमें, चलो टिक भी लगा लिया हमने, टिक भी लगाते रहना मेरे बच्चों, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट जो टिक लगाते रहना, चलो उसके बाद में आ जाता है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी मेरे दोस्त हैं और अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है ना, जितने भी हैं वो फॉलो में सब फ्रेंड हैं, एक अच्छी फ्रेंड है, और उन्हें मैं यही चाहता हूँ कि आप यार अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है ना। और यहाँ देखिए बात करने वाले हैं जो आपका सेलेनेटा एक जंतु होता है, ठीक है, सेलेनेटा एक जंतु होता है उसके लक्षण के बारे में, सॉरी ये संघ होता है उसके बारे में उनका वर्णन करना है, ये फैमिली होती है, ठीक है, सेलेनेटा ये फैमिली होती है, और इसका वर्ण लक्षण के बारे में देख लेना है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेना है। अब देखिए सेलेनेटा होता है, उसका संघ होता है, फैमिली होती है, उसमें एक जंतु पाया जाता है ओविलिया, ठीक है ना, ओविलिया जंतु पाया जाता है, उसका वर्णन कर देना है आपको, ठीक है ना। अब ओविलिया जंतु होता है उसका एक वर्णन करना है, और साथ में उसकी जो मॉर्फोलॉजिक नेचर बता देना है, मतलब कि बाहर संरचना की उसके नेचर कौन है, ठीक है, पॉली, ठीक है ना, पॉलीफॉर्मेशन नेचर क्या होता है उसका, और जो ओविलिया है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये सब कुछ बता देना है, इसकी बाहर संरचना कैसी दिखती है, ठीक है ना, पॉलीमेरिक नेचर कैसा है इसका वर्णन कर देना है। और देखिए मेडूसा के बारे में, इसका देखिए ओलेसा मेडूसा होता है, उसका जीवन चक्र कैसा होता है, इसका मेडूसा के बारे में देख लेना, मेडूसा क्या है इसका, ठीक है ना, और उसके बाद में इसका लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र कैसा है ओविलिया का, तो ओविलिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और ओविलिया किसके संघ के अंतर्गत आ जाता है, वो सेलेनेटा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना, तो सेलेनेटा संघ है और इसका जो जंतु पाया जाता है वो ओविलिया पाया जाता है उदाहरण के तौर पर, और उसका जो फिर आपको जब इसके वर्णन पता होगा, सब कुछ देखा होगा वो कैसा दिखता है, तो लक्षण में आपको देखने की जरूरत नहीं है, लक्षण वैसे ही लिखाएंगे जब इसके जंतु के बारे में आपको पता है कि वो पानी में रहता है, कहाँ रहता है, बाहर रहता है, कैसे भोजन करता है, तो यही सब कुछ लक्षण लिख देना है कि ओवर जो जंतु होते हैं वह, और क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है। चलो ठीक है, इतना सब कुछ आपको याद हो गया, याद हो गया ना, याद हो गया सभी को, बताओ मुझे, ठीक है ना यार, याद करते रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ याद टिक लगाते रहिए, और देखिए अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए, एक दिन में एक क्लास तो लीजिए, ठीक है ना, एक दिन में आपको एक दिन में एक क्वेश्चन याद करोगे तो 20 दिन में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा 20 दिन में, 20 क्वेश्चन है, तो चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक देखिए पीढ़ी एकांतर किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2020 के लिए, पीढ़ी एकांतर किसे कहते हैं बताओ मुझे, पीढ़ी एकांतर किसे कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बोला है, ठीक है टीनिया एक टीनिया जंतु होता है, क्या होता है टीनिया एक नाम का जंतु होता है, ठीक है ना, वो उसका स्वभाव किस प्रकार से होता है, हैबिट कैसी होती है आपको ये देख लेना है, ठीक है ना, हैबिट और उसके बाद में संरचना स्ट्रक्चर के बारे में देख लेना है, रोगजनकता का वर्णन क्या है, और इसे हम टीनिया को हम पीता क्रमिक भी कहा जाता है, याद रखना टीनिया को हम पीता क्रमिक के नाम से भी जाना जाता है, दो नाम होते हैं पीता क्रमिक के, एक टीनिया नाम से जाना जाता है या फिर पीता क्रमिक, ठीक है, और उसका जनन तंत्र कैसा होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, ये आपको देख लेना, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया सभी दोस्तों को, इतना समझ में आ गया।
ठीक है ना, टिक लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं ना तो आप देखिए आप इतिहास बदल दोगे, सच बता रहा हूँ, इतिहास बदल दोगे। इतिहास का मतलब है जो कई सालों से जो बच्चे अपना इग्नोर पे एक्चुअली देखते हैं, अपना रिजल्ट बेकार रिजल्ट देखते हैं, बिल्कुल बहुत कम नंबर आते हैं, बैक आ जाती है, तो ये सारे के सारे आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर सब्सक्राइब करके। तो यहाँ देखिए फुल बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो बहुभिन्नता होती है उसके बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है कि फेरियोला का जीवन चक्र कैसा होता है, फेरियोला का, ठीक है ना, फेस्यूला का जीवन चक्र देख लेना, और आपका हेमलिथिन्स रोग क्या होता है ये देख लेना, ठीक है ना, रोग है इसकी बीमारी किस प्रकार से क्या क्या होती है ये रोग देख लेना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जानते हैं मलेरिया जैसे, प्लाज्मोडियम मलेरिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम उसके ऊपर ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, शॉर्ट शॉर्ट आंसर में, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें देखने को मिला प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग किसके कारण हो जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ बोल रहा है कॉलर सेल, कॉलर सेल क्या होता है, कॉलर सेल को हम कोएनोसाइट भी कहा जाता है, तो कॉलर सेल को हम कोएनोसाइट भी कहते हैं, तो किसी भी नाम से पूछ सकता है इनमें से एक नाम से पूछेगा आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ बोल रहा है फैलम सेल क्या होता है, तो फैलम कोश का देख लेनी है, फैलम फैलम शैल फैलम कोश का कुछ भी कह सकते हैं, हिंदी में कोश का आएगी लिखे और वैसे इंग्लिश में शैल आएगी, लेकिन शैल ही पूछता है आपको ज़्यादा करो, यदि कन्फ्यूज़ करने के लिए वो कोश का पूछ लेगा, तुम कहोगे यार हमने तो फैलम कोश सेल पढ़ी थी, कोश का कहाँ से आ गई, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों देख लेना। को देखिए क्वेश्चन और हमेशा याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक बार देख लिया करो कि वो हमें कन्फ्यूज़ तो नहीं कर रहा है। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, देखिए बोल रहा है मीरा सीडियम जो लार्वा होता है वो क्या होता है उसको देख लेना है, ठीक है ना, मीरा सीडियम लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए फेसुला का जनन तंत्र मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूँ, फेसुला का जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है वो देख लेना, ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चन दे रहा, बस लास्ट क्वेश्चन है ये वाला आप याद कर चुके हैं, पूर्ण विकसित जो आपका प्रोगोले ये क्या लिखा है यार, देखिए प्रोग्लोटिड, ठीक है ना, प्रोग्लोटिड लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब पूर्ण विकसित, ठीक है ना, जो मैचर पोलिटिड है जो प्रोग्लोटिड है उसको देख लेना है, ठीक है ना, बस इतना याद कर लेना है प्रोग्लोटिड, ठीक है ना, तो ये आपको याद कर लेना है इस जंतु के बारे में, मतलब पूर्ण विकसित प्रोग्लोटिड किस प्रकार से दिखता है और वो कैसा होता है ये सारे कुछ देख लेना है। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना, एक लाइक कर लेना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के आइकन को ज़रूर दबा देना, प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक लिटल्स अपडेट मिलती रहे जो भी मैं वीडियो डालूँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर यार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर सकना, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, यदि आपका भाई सिस्टर वगैरह हाई स्कूल या इंटर में है तो उन्हें यार हमारे इस हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बता देना, क्योंकि हमने उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 2020 में आने वाले, यदि वो याद कर लेते हो तो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, बस यही चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, मतलब उन क्वेश्चनों को यदि याद कर ले तो 90% आ जाती है सच में। और हम देखिए पेपर के दो घंटे बाद, पेपर के दो घंटे बाद आपको पूरा पेपर का सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन बता देंगे, पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको साथ होगा। तो पेपर को देखिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।